गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, धूप भी आ रही है, मैंने विंडो ओपन करके रखी है। एक्चुअली क्या है ना, सुबह से जब मॉर्निंग होती है ना तभी हम लोग विंडो ओपन कर देते हैं, थोड़ी सी धूप भी आना घर के अंदर जरूरी है। उसके बाद में जस्ट मैं अभी आप लोगों के कुछ कॉमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी जो कि कल मैंने वीडियो डाला था। आज है 16 मई और कल मैंने वीडियो डाला था प्रिया दी के लिए, सो जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। तो ना मैं उसके कमेंट्स चेक कर रही थी, काफी अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स करे हैं। और गाइस आप लोग इतने सपोर्टिव होना तभी हम यूट्यूबर्स को अच्छा लगता है ना कि हम आपको के लिए वीडियोस बनाए और आप लोग के साथ भी कनेक्ट हो पाए, सो इसलिए। और चलिए अभी मैं आपको कुछ कमेंट्स रीड करके दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, सॉरी। ओके, तो एडी का कमेंट है कि हम सब आपके साथ हैं शिवी दी और प्रिया दी, ऑसम ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच एडी। मैंने आपका नेम नहीं लिया किसी भी वीडियो में, इसलिए मैं आज आपका नेम ले रही हूँ, तो मैंने सभी का नेम लिया बट आपके नहीं लिया था। उसके बाद में मेरे को कृतिका पांडे ने करा है शिवी वेरी नाइस गुड लुक एंड हैप्पी फ्रेंडशिप, थैंक यू सो मच। परी ठाकुर भी मेरे को काफी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रही है, कुछ टाइम पहले ही मेरे से कनेक्ट हुई है। सारिका तो ऑब्वियसली बात आप सभी जानते हैं उसको। और भावना शर्मा जी काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, अपर्णा भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, वो हर चीज में सपोर्ट करती हैं। और मतलब प्रिया जी को मुझे दोनों लोगों को उन्होंने सपोर्ट करा है इस चीज के लिए जो भी आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि लोग आगे पहुंचने के लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोग के सामने ही है। तो बस मैं वही कॉमेंट्स रीड कर रही थी और मैंने लंच अपना जो है वो उन्हें प्रिपेयर कर दिया। एक्चुअली मैंने ना हेयर वॉश करे थे इसलिए मैं अपने हेयर ओपन करके रखे, क्योंकि जब अभी तक मैं ना डिनर प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने क्लचर लगा कर रखा था, बट अभी मैंने सोचा थोड़ा सा धूप के पास में और इधर रूम में आकर बैठ जाती हूँ थोड़ा सही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। और हाँ, पहले ही बोल दे रही हूँ व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना? पैसे नहीं लगते, सारा कुछ फ्री होता है। ओके, सो चलिए अभी हम कर लेते हैं लंच और टीवी देखते हैं थोड़ी देर, फिर इसके आगे जो होता है तो देखते हैं क्या करना है। और वैसे ना आपको हमारा कल का व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया ना, जिसमें मैंने अपनी पूरी रेसिपी शेयर करी थी, जैसे कि मैंने खाना बनाया था, आफ्टरनून का जो हमारा रूटीन था वो पूरा कुछ मैंने आप सब में शेयर करा था अपने व्लॉग में, अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम। सो एक्चुअली क्या होता है, किचन में जाकर व्लॉगिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा वो लगता है ना कि अगर हम कुक कर रहे हैं कहीं कैमरा नहीं गिर जाए, कहीं स्टैंड कहाँ पर लगाएं, सो ये सारी दिक्कत आती है। बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आप लोग के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट होने की, क्योंकि तो अभी ना मैं इस टाइम पर थोड़ा सा घर की सेटिंग कर रही हूँ और पिलो वगैरह कुशन्स वगैरह फैले रहते हैं तो उनको उठाकर उनकी जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठ के टीवी देखते हैं तो इधर पिलो रख लेते हैं और फिर वहीं पर आराम से बैठ कर टिक जाते हो फिर टीवी देखते हैं, तो बस वही सेटिंग कर रही हूँ मैं। तो अभी हम आगे लंच करने के लिए, पर लंच करेंगे तभी ना जब मैं इस बैनर को हटाऊंगी, तो इस बैनर को मैंने हटा दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल मेरे को नाइफ से थोड़ा सा कट लग गया था तो वो पेन हो रहा था उसमें इसलिए, बट अभी वो एकदम ठीक हो चुका है। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं। आज लंच मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई, बहुत जल्दी जल्दी बनाया तो फिर व्लॉग भी काफ़ी लेट मैंने स्टार्ट करा। बगल में ये भी बैठे हुए हैं मेरे साथ में और हम लोग टीवी भी देख रहे हैं, एक्चुअली महाभारत देखते रहते हैं या फिर कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, तो पर इस टाइम सॉन्ग्स चल रहे थे, नहीं तो मोस्टली टाइम है महाभारत के टाइम पर ही हम लोग लंच करने के लिए आते हैं यहाँ पर। वाला गाना याद आ रहा है, बल पर चांद जब आए। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और बाहर अभी मैं एक्चुअली विंडो पे खड़ी हुई थी और वहां पर ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, वेदर काफी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में एक मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि काफी दिन हो गए हैं लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने कुछ परचेस नहीं करा था ऑनलाइन कुछ भी। अभी हालांकि गाइस काफी सारी साइट्स में ऑनलाइन डिलीवरी चल रही है, अगर आपको स्किन केयर के लिए कुछ चाहिए तो आप घर पर मंगा सकते हो उन सारी चीजों को जो आपकी जरूरत मानो, अगर जरूरत हो तो ही मंगाना, ठीक है ना? सो मैंने भी कुछ मंगाया हुआ है और जो की है ये देखिए आप, आई लव दिस पैकेजिंग। अभी मैं इसको जब आपको अंदर से दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। सो मेरे को काफी ज्यादा प्यारा ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, सो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा अपनी स्किन को थोड़ा सा डेड पेंट करते हैं, अपनी स्किन में थोड़ा सा
निखारते हैं, अपनी स्किन को थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर करते हैं। काफी दिन हो गए हैं और मैंने ना ही कोई क्लीन अप करा है ना ही कुछ, और बस दो दिन में एक दिन मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। हालांकि मैं रोज फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्या होता है ना, जब आप रोज फेस वॉश करते हो ना तो केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं आपके, होते ही ना, सो इसलिए। तो चलिए मैं आपको पहले इसका छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद में मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप इसका अप्लाई कर सकते हो। ये है बॉय स्किन साइंस का प्रोडक्ट और इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। ये है एक क्ले फेस मास्क पिंक रोज, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको पहले ओपन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है गाइज कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये QR कोड जो मिलता है ना, आप इसको प्लीज़ स्कैन कर लीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा फेक सामान आपके डिलीवर हो रहा है, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर लीजिएगा, जो बाकी कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जब आप इसको QR कोड को स्कैन करोगे। तो दोस्तों, जो आपका जो प्रोडक्ट आएगा आपके घर पर, उसकी जो भी डिटेल्स हैं आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि आपका ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो आप खुद से चेक करके पता कर सकते हैं घर पर ही। हमें स्किन और पैकेजिंग में कुछ इस तरीके का ये रिसीव होता है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बॉय स्किन साइंस का पिंक रोज क्ले फेस मास्क, काफ़ी अच्छा फेस मास्क है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन करके गई हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है गाइज, ये आपके स्किन में सूट करेगा, ऑल टाइप स्किन के लिए है ना। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मतलब ऐड करी गई हैं, रोज़ एसेंशियल ऑयल भी है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, नो पैराबेन नो सिलिकॉन फ्री है। उसके बाद में मैं इसका प्राइस की बात करूँ तो इसका 499 इसका प्राइस है, पर अगर आप चाहो तो आपको कुछ परसेंट का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और कुछ इस तरीके की इसकी देखिए पैकेजिंग, ये देखिए, और इसकी जो क्वान्टिटी है ये है 200 ml की क्वान्टिटी इसमें। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और ये अंदर से आप देखिए, माय गॉड, ये बहुत ही प्यारी सी इसकी स्मेल है, इसका जो कलर है, एक्चुअली क्या है ना, इसमें नो पैराबेन सिलिकॉन तो है ही नहीं, नो मिनरल ऑयल भी है गाइस इसमें। सो आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसको मैं ना 2 से 3 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ में शेयर करती हूँ इसका रिव्यू। इस मास्क है ना आपको किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, दिस फेस मास्क हेल्प यू, है ना। तो ये देखिए सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन, सो डैमेज फाइन लाइन, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब वर्क करती है आपकी स्किन पर, और रोज़ पेटल है इसमें, रोज़ एसेंशियल। तो वो चलिए अभी मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो फेस पर आएगा जो पूरा ये मास्क है ना, इसलिए। तो चलिए अभी हमें थोड़ा सा पानी लेकर ना अपने फेस को थोड़ा सा ना वेट करना है कुछ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा दो, चांटे नहीं मारना है गाल में। तो ये देखो लगा लिया है, उसके बाद में चलिए इसका अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट टाइम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और आई लव दिस प्रोडक्ट, सीरियसली गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसका जो ब्रश है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे लगाने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम सॉफ्ट है। अगर आप इसको वॉश करोगे ना तो एकदम अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। चलो मैं फिलहाल आपको ऐसे करके ही दिखा देती हूँ, जब तक जो मेरा पैक है वो एकदम क्लीन हो रहा है। सो एक सेकेंड, ये देखो एकदम से क्लीन हो गया है ये, और लग रहा है ना एकदम न्यू है। सो अगर आप इसको अप्लाई करोगे इससे और इसके बाद इसको वॉश कर दोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा ये। तो इसको अप्लाई करने से ना जो आपकी स्किन पॉलिशिंग अच्छी तरीके से हो जाती है, एक अच्छा सा निखार आता है, एकदम पिंकी पिंकी, और जो मतलब पैक है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि पिंक कलर का ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मेरे सामने कैमरा है, इस वजह से मैं तरफ की साइड पे दिखती हूँ। और गाइज आपको पता है कि जो ये
पैक है, जो ये क्ले है, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप लिंक पे क्लिक करके लेते हो तो कुछ परसेंट का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। और वाओ की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, काफी अमेजिंग अमेजिंग आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप जरूरी है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप उनको जरूर बाय कर सकते हो। एकदम 100% सेफ्टी से आपके घर पर प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने, तो मुझे इस पैक को एकदम 15 मिनट तक लगा कर रखना है। 15 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी, तब तक मैं आपको आपके कॉमेंट्स रीड करती हूँ जो आज मैंने वीडियो पब्लिश करा है उसके लिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आज ना मैंने कुछ कपड़े वॉश करे हुए थे तो वो ड्राई हो चुके थे, अच्छे तरीके से सूख चुके थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा उनको फोल्ड कर देती हूँ, जब तक जो मेरा पैक है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तब तक मैं कुछ अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आजकल ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो नीचे ही हम कपड़े अगर डाल रहे हैं, टेरेस पे भी नहीं डाल रहे हैं ना, नीचे ही रस्सी ऊपर कपड़े डाल देते हैं ना, तो भी अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। कोई गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, धूप में डालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर धूप में आप डालते हो ना तो कभी कभार आपके कपड़ों का जो कलर है ना वो चला जाता है। नए कपड़े तो मैं वैसे भी कभी धूप में नहीं डालती हूँ ठंडियों के अलावा। तो 15 मिनट्स हो गए हैं, जो मेरा पैक है वो एकदम देखो ड्राई हो चुका है, तब तक मैंने अपने कुछ काम वगैरह निपटा लिए हैं। तो चलिए मैं फेस को वॉश करने जा रही हूँ, फिर थोड़ी देर जल्दी हूँ। सो यस, मैंने अपने फेस को कर लिया है क्लीन, और मेरी जो स्किन है काफी ज्यादा देखिए एकदम क्लीन लग रही है और काफी फ्रेश फ्रेश लग रही है मुझे अपनी स्किन। इसमें मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, जैसे कि आप कोई भी फेस वॉश करते हो, फेस स्क्रब या फेस पैक यूज करते हो, उसको लगाने के बाद में आपकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी टाइट टाइट हो जाती है, थोड़ी ड्राई ड्राई हो जाती है आपकी स्किन। पर इसको लगाने के बाद में मुझे अपनी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, एकदम क्लियर और ग्लोई स्किन लग रही है। सो मैं इस पे इसको एक प्लस पॉइंट दूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। और जैसे ही मैं ना वॉशरूम से बाहर आई और रूम में, और मैं एकदम से स्मेल कर रही हूँ ना, मेरे को काफी अच्छा जो स्मेल आ रही है ना, एकदम रोज की स्मेल। और ये मतलब ना पूरा का पूरा ऐसा लगता है ना कि जो ओरिजिनल रोज होता है ना, बस वो उसी का ही है। आई लव दिस फ्रेग्रेंस सीरियसली। मैं ना एक्चुअली बाहर देख रही थी, कुछ बच्चे वगैरह है बैडमिंटन खेल रहे हैं, और अभी मैं पानी पी रही हूँ। रोज सुबह ना हम लोग उठकर, एक सेकेंड में ग्लास को रख दूं। ओके, सो रोज सुबह ना हम लोग उठकर हनी और पानी पीते हैं। शायद पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये पीते हैं, मेरे को भी लाकर देते हैं रोज सुबह मॉर्निंग। अभी ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं डिनर में, क्योंकि ना मैंने ना सुबह कटहल की सब्जी बनाई थी और मिक्स दाल भी बनाई थी। एक्चुअली किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। एक्चुअली मुझे कटहल की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, और इन्होंने पराठे बनवाए हुए थे, मतलब इन्होंने बोला था कि रोटियां नहीं खाऊंगा मैं, पराठे खाऊंगा। तो फिर मैंने पराठे बना दिए थे, लच्छा पराठा नहीं सिंपल पराठा बनाया था मैंने। सो दो पराठे इन्होंने खाए थे, दो मैंने खाए थे, और जब इनके लिए बने तो फिर मैंने भी खाए थे। और कटहल की सब्जी आई लव, और अभी भी वही खाना रखा हुआ है, पर देखते हैं कुछ लाइट सा बनाते हैं अभी। तो ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, तो मैं फ्रूट्स कट करती हूँ, उनके लिए लेके जाती हूँ, और कुछ वीडियोस वगैरह देखनी है। मुझे आप लोग के साथ में एक चीज़ और भी शेयर करनी है, जो कि मैं दो मिनट बात करती हूँ। तो ये कुछ बनाना रखे हुए हैं, तो मैंने ना सुबह तीन बनाना खाए थे, मतलब एक बार में नहीं तो बस मैं ये बनाना खा के आई हूँ। तो हाँ, मैं आपके साथ में किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी वो आपको बताती हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास में, मतलब कुछ दिनों से काफ़ी टाइम से, ये बहुत ही पहले से मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं अपना मेकअप कलेक्शन दिखाऊं। सो मेकअप कलेक्शन, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना 2020 का जो मेकअप कलेक्शन है, जो मेरा फेवरेट है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं सच में शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से कॉमेंट करो नीचे, और फिर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जितने ज़्यादा कॉमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं शेयर करूंगी। हो सकता है कि वो जो वीडियो हो वो कल की मेरी वीडियो पे आए, या फिर परसों की वीडियो पे आए, आएगा जरूर बहुत ही जल्द। मैं अभी इनके लिए लेके जा रही हूँ खरबूजा। खरबूजा, मैं तरबूज को ना बचपन में खरबूजा खरबूजा बोलती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली पसंद है ये, अभी भी पसंद है, और शादी के बाद में ना मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये लीजिए आप। तो
अभी रात के 9 बज रहे हैं और जस्ट मैंने अभी वेजिटेबल पुलाव बनाया है, तहरी मतलब कि हमारे यहाँ पर मतलब बांदा में तहरी बोलते हैं, यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव बोलते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए गर्मा गर्म पुलाव रेडी है और मैंने ना इसमें पनीर भी डाला हुआ, ये देखो पनीर दिख रहा है ना आपको। सो चलो यम्मी यम्मी है, प्लेट में सर्व करते हैं इसको। गाइज अभी रात का हमारा डिनर ये है, क्योंकि सुबह काफ़ी हैवी हो गया था, आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा लेट लंच कर रहा था हम लोगों ने, तो जस्ट वैसे कुछ बनाना ही थे। मैंने आपसे बोला था पहले मैं कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव बनाया हुआ है और देखो मैंने उसमें पनीर भी डाला है। सो काफ़ी ज़्यादा यम्मी है। एक्चुअली ये जो तहरी है मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इन्होंने अभी बोला कि ये बना दो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो चलो अभी खाते हैं। बड़ा तो अच्छा है, आज मैं जब मैंने खाना खाया ना ढेर सारा लेमन डाला था मैंने पूरे सैलेड में, तब खाया, मुझे लेमन बहुत ज़्यादा पसंद है, कर्ड भी पसंद है, बट कर्ड ना ख़त्म हो गया है, मुझे घर का कर्ड अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, लोग कहते नहीं घर का शुद्ध होता है वो, बट मेरे को बाहर का कर्ड अच्छा लगता है। हम दोनों रूम में बैठे हैं, बेबी खा रहे हैं, और मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी कि पता है आपको, मेरी एक बुआ है, एक्चुअली मेरी मायके वाली बुआ है, वो मेरी जो जितनी मेरी मायके वाली बुआ है मेरे को सब बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एक्चुअली जो मेरी फतेहपुर में बुआ रहती है वो बुआ दादी हैं, बड़ी क्यूट सी हैं, प्यारी सी। बुआ दादी कहने में ये लग रहा होगा कि बुआ दादी बहुत एजेड होंगी, बट नहीं, इतनी भी एज उनकी नहीं है। और मेरी कानपुर वाली बुआ है, फतेहपुर वाली एक और बुआ है, सो सारी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। और कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके साथ अपनी फैमिली वालों का जिक्र भी करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जो हमें प्यार करते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है कुसुम बुआ और बड़ी क्यूट सी हैं, तो वो ना वीडियो देख रही थी, तो एक्चुअली उनकी फ्रेंड ना आई और वो बोलती है देखो तुम्हारी भतीजी ने तो अलग तरीके से ये साबूदाने की जो टिक्किया बनाते हैं ना आलू वाली, जो मैंने अभी कुछ से पहले आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, उसने अलग तरीके से बनाई है, तो अलग तरीके से बनाती है। तो उन्होंने बोला आजकल के बच्चे अलग अलग तरीके से, हमारे टाइम पे एक तरीके से बनती थी, आजकल 10 तरीके की चीज़ें बनती हैं। सो ऐसी कुछ बातें हैं जब आती हैं, मेरे को पता भी नहीं था कि वो सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं। सो अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि यार वो लोग कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच यार, आप लोग मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम शिवी आपसे मिलेंगे, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत दूर के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो कभी मिलना हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। गाइस अभी ना रात के 11 बज रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि छोटू सा ब्लॉग आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा, क्योंकि मैं आपके साथ में रोज़ मतलब कनेक्ट होना चाहती हूँ इसलिए। सो वैसे आज मैं कोई ब्लॉग नहीं करने वाली थी, पर मैंने कहा कि नहीं अभी आप फिर से आप सभी लोगों से हो जाओगे कि आज फिर से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, तो मैंने कहा जस्ट थोड़ा सा ही सही आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँगी, थोड़ा बहुत रूटीन दिखा दूंगी। आफ्टरनून का रूटीन आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि लेट ब्लॉग स्टार्ट करा था, मैंने पहले ही सब कुछ बना लिया था इसलिए, और नाइट में मैंने ये बनाया था। सो गाइस कैसा लगा आपको, और जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना, लाइक के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए, बट सोने से पहले मेरे को अभी पूरा 1 आवर चाहिए एडिटिंग करने के लिए, कितना भी टाइम लग जाएगा पता नहीं है, बट इसके जस्ट बाद मैं इस ब्लॉग को एडिट करूंगी, देन सुबह फिर मॉर्निंग में 17 को ये ब्लॉग जाएगा। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।